गुस्सा फूटा, डिजिटल मीडिया के कर्मियों का, वेब पोर्टल के कर्मियों का गुस्सा फूटा। आपको बता दें कि सुबह होती कलेक्ट्रेट में पहुंचे, लेकिन डीएम के न होने से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि हमारे साथ शौचालय व्यवहार क्यों करा जा रहा है, जब डिजिटल भारत हो सकता है तो डिजिटल मीडिया के साथ भेदभाव क्यों, आखिर सूचना विभाग में नाम क्यों नहीं दर्ज होता, वीआईपी कवरेज करने को मना क्यों करा जाता है, पास क्यों नहीं जारी होता है, और आखिरकार बजा ही दिया बिल्कुल। और उसके बाद वरिष्ठ पत्रकारों ने रूबरू होकर क्या कहा, सुनते कि जब सूचना भी आपको आरटीआई भेजी जाती है, उनसे पूछा जाता है, जो बताती है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म। आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली जा रही कौन कौन मतलब समाचार पत्र आ रहे हैं, कौन समाचार पत्र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा ये जानकारी ली गई कि हाँ, ये बता दीजिए कि असली पत्रकार और फर्जी पत्रकार की परिभाषा क्या है। वेब पोर्टल के लिए जैसे कहा जाता है कि वेब पोर्टल अगर फर्जी है, डिजिटल इंडिया चल रही है इस समय और हर 2 मिनट में अपडेटिंग सोशल मीडिया दे रही है। सोशल मीडिया हब का उद्घाटन लगातार किया गया, अभी डीजीपी साहब की तरफ से भी आप लोगों ने देखा है कि सर्कुलर जारी हुआ और सोशल मीडिया सेल का गठन हर एसपी ऑफिस में किया गया। फिर सोशल मीडिया जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि अगर सोशल मीडिया फेक है, आपके पास पेपर है, आपके पास चैनल है, तो ये बताइए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। आई थिंक मुझे लगता है कि इस समय सोशल मीडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात है कि इनको बताना चाहिए, आरटीआई का जवाब देना चाहिए कि अगर जो पत्रकार है, पत्रकार के मानक क्या है, पत्रकार की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। और सूचना विभाग के माध्यम से जो सूची जारी हुई है पत्रकारों की, उन्होंने बताया कि नियमितता प्रमाण पत्र के आधार पर जारी की गई है। क्या सूचना विभाग ने किसी समाचार पत्र के संपादक या ब्यूरो को नियमितता प्रमाण पत्र जारी किया, नहीं किया? अगर किया होता तो उसके आधार पर सूची जारी की जाती, लेकिन नहीं किया, उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए वो सूची जारी कर दी। हालांकि सारे समाचार पत्र, सारी एजेंसियां बराबर प्रसारित हो रही हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण हिंदुस्तान में, परंतु क्या है, कहीं ना कहीं साठगांठ कर ये सूची जारी की गई है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, जिस संदर्भ में हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री तथा सूचना प्रमुख उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन देना था, किसी कारणवश जिलाधिकारी जी यहाँ उपस्थित नहीं थे, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से वो ज्ञापन दिया गया। और शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से उठी है आवाज कि डिजिटल मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया को भी सूचना विभाग और वीआईपी कवरेज की अनुमति दी है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब